वालेकुम प्यारे दोस्तों कैसे हैं सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ कीमे वाले पराठे आज हमारे घर में नाश्ते की दावत है और साथ में ही मुझे मिला है एक ऐसा टास्क जिसमें मैंने पराठों के साथ चार से पाँच किस्म की चटनियाँ बनानी है और वह मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को स्किप किए बग़ैर फुल वॉच किया करें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये टास्क को कम्प्लीट किया सबसे पहले मैं कीमे का मिक्सचर रेडी करूँगी और कीमे का मिक्सचर रेडी करने के लिए कीमे की क्वांटिटी मेरे पास है टू के जी जिसको मैंने खुले पानी से धोकर खुश्क कर लिया है इसके अलावा इसमें जाएगा वन टेबल स्पून लहसन अदरक का पेस्ट वन टेबल स्पून सूखा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट और एक टेबल स्पून इसमें ऐड होगा ज़ीरा कुटा हुआ ज़ीरा और अब इसमें मैं ऐड करूँगी वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर वन टी स्पून चाट मसाला वन टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च वन टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून ऐड होगी काले मिर्च और थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी अजवाइन ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी टू टेबल स्पून बेसन इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ये तमाम ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम स्पाइसेस मिक्स हो जाएं स्पून से अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा था तो अब मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी और हाथों की मदद से मिक्स करने के लिए सबसे पहले मैं हाथ को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी ताकि मिर्चें ना लगें मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा पराठे बनाने के लिए कीमे का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हम करते हैं पराठे बनाने की तैयारी और यहाँ सबसे पहले मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं अब मैं इसको वन बाय वन रोलिंग पिन की मदद से बारीक बेल लूँगी और बारीक बेलने के बाद इसका साइज़ इतना रखूँगी क्योंकि इस तरह पराठा अच्छा बन जाता है और फटता भी नहीं है कीमा भरे पराठे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और ये है कि जब अगर आप कोई काम करते हो तो उसको तो उसको पूरी लगन के साथ करना चाहिए इससे काम भी बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ मैंने बारीक रोटी बेल ली है अब मैं कीमे वाला मिक्सचर इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी मिक्सचर फिल करने के बाद दूसरी रोटी से इसको कवर कर दूंगी और कॉर्नर्स को फिंगर की मदद से मिला लूंगी ऐसा करने के बाद इसको मैं अगेन हल्के हाथों से रोलिंग पिन से बेल लूंगी तो पराठा हमारा पकने के लिए हो जाएगा तैयार यहाँ तवा गर्म हो चुका है अब इसमें मैं पराठा डाल दूंगी और अच्छा पराठा पकाने के लिए हीट बिल्कुल लो रखनी चाहिए इतनी तेज़ हीट से ये जल जाता है और ठीक से पकता भी नहीं एक साइड पकाने के बाद मैं इसको इसकी साइड चेंज कर दूंगी और अब इस पर मैं घी लगाऊंगी। लगाने के बाद इसको दूसरी साइड पर चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड पर घी लगाकर पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा पक रहा है और बहुत मज़ेदार सी लुक दे रहा है और याद रहे इसको हल्की आंच पर ही पकाएंगे तो पकेगा पराठा हमारा तैयार हो चुका है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे माशाल्लाह ज़बरदस्त आपको इसकी क्रिस्पी और यमी सी लुक भी दिखाती हूँ अब मैं ज़रा पर्दा हटाकर भी दिखाती हूँ कि पराठा बहुत ही मज़ेदार और यमी सी लुक दे रहा है और थोड़ा सा टूट भी गया है लेकिन कोई बात नहीं तोड़ के ही खाना है इसी प्रोसेस से मैं बाकी पराठे भी रेडी कर लूँगी अब हम करते हैं चटनी बनाने की तैयारी और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है थोड़े से पुदीना लीव्स और थोड़ा सा लिया है मैंने हरा धनिया अब इसको मैं खुले पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी ताकि मिट्टी निकल जाए इसको ब्लेंडर में डालूँगी और साथ ही इसमें ऐड करूँगी वन टी इसमें नमक वन टी चाट मसाला हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड होगा लहसुन अदरक का पेस्ट और दो बड़े साइज़ की हरी मिर्चें जो इसमें मैं ऐड करूँगी अब ये तमाम स्पाइसेस और हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंड करने के बाद हमारी हरी चटनी हो जाएगी तैयार अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला जिससे इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा हो जाएगा ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और हरी चटनी हो जाएगी तैयार एक चटनी तो रेडी हो गई अब करते हैं दूसरी चटनी बनाने की तैयारी सेकेंड चटनी जो मैं बना रही हूँ वो है दही की चटनी और वो बनाने के लिए दही की क्वांटिटी मेरे पास है हाफ के जी जिसको मैं हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी ताकि इसका एक ठीक एक सा टेक्सचर आ जाए क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए बाद में इसमें वन टेबल स्पून ऐड कर दूँगी हरी चटनी और इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स हमारी दही की चटनी हो जाएगी तैयार माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है ये तो हो गई हमारी दूसरी चटनी तैयार और अब इसके लास्ट पे मैं इसमें थोड़े से इसके गार्निश के लिए इसमें ऐड करूँगी पुदीना लीव्स जिससे इसकी लुक और भी ज़बरदस्त हो जाएगी दो चटनियाँ तो हो चुकी हैं तैयार और वो बहुत आसान भी थी अब करते हैं तीसरी चटनी की तैयारी और उसको तैयार करने के लिए मेरे पास एक कप है दही और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ वन टेबल स्पून म्योनीस म्योनीस ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से दही में मिक्स करूँगी ताकि इसका एक आ, क्रीमी सा टेक्सचर रेडी हो जाए आफ्टर मिक्सिंग आप देख सकते हैं कि इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर रेडी हो चुका है बाकी दो चटनियाँ जो मैंने बनाई हैं वो भी हम अपने खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाली चटनी तो मुझे बहुत ही पसंद है और ये अक्सर मैं घर में बनाती हूँ फ्राइज़ बनाए बने हो या फिर कोई स्नैक्स हो उसके साथ ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है यहाँ इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है रेडी उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी वन टेबल स्पून और कैचअप ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा देख और वैसे भी रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है और ये तमाम चटनियाँ हमारी अफतारी का हिस्सा बनने वाली हैं <laughs> इन मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी वन टी काली मिर्च पाउडर और इसको अगेन मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनता है अब हमारी चटनी हो चुकी है बिल्कुल तैयार और इसकी गार्निश के लिए इस पर मैं थोड़ी सी स्प्रिंकल करूँगी रेड चिली फ्लेक्स और हमारी तीसरी वाली चटनी भी हो गई है तैयार अब करते हैं फोर्थ यानी चौथी चटनी की तैयारी वो किस तरह से मैंने सबसे पहले दो लिए हैं दरम्याने साइज़ के टमाटर और उसको चूल्हे पे थोड़ा सा किया है रोस्ट ताकि उसका छिलका आसानी से निकल जाए बाद में मैं इस फॉक की मदद से उसको मैश कर लूंगी मैश करने के बाद उसको मैं डाल दूँगी ब्लेंड ब्लेंडर में ब्लेंड होने के लिए जब तक टमाटर हो रहा है ब्लेंड हम करते हैं इसके तड़के की तैयारी और ये चटनी थोड़ी सी डिफरेंट है और इस पर मैंने कुछ अपनी ही साइंस लड़ाई है <laughs> अब पता नहीं देखे क्या बनता है इसके तड़के के लिए मैंने लिया थोड़ा सा प्याज एक कदर हरी मिर्च और थोड़ा सा ऐड किया ज़ीरा और मैंने इसको ऐड कर दिया टमाटर के पेस्ट में अब ये हमारी टमाटर तड़का चटनी हो गई है तैयार अब इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक और थोड़ा सा इसमें टच दूँगी हरी चटनी का और इसको मिक्स कर लूँगी जिससे इसका फ़्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और यकीन माने ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको रेडी किया था और आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं फ़ोर्थ मैंने इसमें सिर्फ़ सादे दही में थोड़ा सा नमक और ज़ीरा ऐड करके उसका एक सिंपल सा रायता रेडी कर लिया कि जिसने ये खाना हुआ ये भी खा सकता है फिफ्थ एंड लास्ट चटनी थी और ये तो मुझे अल्लाह के फ़जल से बनी बनाई ही मिल गई एक दिन पहले हमने मंगवाए थे समोसे तो ये इसके साथ आई थी और ये बहुत ही मज़ेदार थी तो इसका इसके पैकेट पड़े हुए थे तो वो भी मैंने <laughs> एड कर दी और फिर हो गई मेरी पूरी पांच की पांच चटनियाँ तैयार ये तमाम रेडी करने के बाद नाश्ता बिल्कुल तैयार था और मैंने भेज दिया सर्विंग के लिए और सबको बहुत ही पसंद आया स्पेशली कीमे वाले पराठे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और वो सबको बहुत पसंद आए और ये चटनियाँ भी पसंद आ गई तो मुझे बहुत खुशी हुई टास्क पूरा होने पर भाई ने दिया मुझे इनाम और इससे मेरी खुशी डबल हो गई और मैंने किया फिर भरपूर इंजॉय इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह श्ला नई क्रिएटिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़